पश्चिम चंपारण जिले के अधिकांश गांवों में जीर्णोद्धार के अभाव में कुएं जैसे सार्वजनिक जल स्रोत की साधनों को लगातार कम होते जाना यह सामान्य है। प्रखंड गवनाहा ग्राम हरकटवा में पानी की अच्छा लेयर नहीं मिलने से या आर्थिक कमी से जूझ रहे गरीबों को पानी पीने की मात्र साधन एक कुआं है, जो नाला नहीं है। जिस कुएं के जीर्णोद्धार नहीं होने की वजह से सार्वजनिक कुआं पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। इस कुएं की हालत यह थी कि बाहर के गंदा पानी, बरसात के जमा पानी उसी कुएं में जमा रहता था और उसी पानी को सभी लोग पीते थे। मुरिये सबके जड़ बा, मुरी के लादे वो सारा पानी चल जाए होने हुए तने बहुत बा। हमने के इनार बना इसे सब पब्लिक के परेशानी हुई, सब पब्लिक परेशानी बा इनार से। इतना बड़ा कीड़ा फरल उ में केचुआ उचुआ का खाना पानी पिए के बुझला मुँह में नहीं जाए तो बहरे इकलला केकर कल में जाल जाए। दो दिन तीन दिन भरे दिए इनार में कौन चीज के नॉली चाहिए, नॉली के तने डूब जाता पानी डूब जाता है। पहले का नली रहे का नली रहे पूरु कहीं ना तो बहुत बदला था। और दो महीना पहले मुझे दरखास्त गांव वाले लाकर दिए, जब हम वहाँ जाकर देखे तो वास्तव में वहाँ समस्या थी पानी की, क्योंकि पानी बाहर का भी इनार में ही गिर रहा था, कुआं में ही आ रहा था। जी, जी। तो आचार संहिता का चलते हम उस चीज को अभी रोक रहे हैं जी। और जैसे मेरा आचार संहिता यानी 30/6 को आचार संहिता मेरा खत्म हुआ जी। और अभी जुलाई में उस इनार का पुनः जीर्णोद्धार कर दिया जाए। पहले बहुत खराब रहे इनार बन गए था बढ़िया। कौन सी खराब रहे कुआ में? कुआ फूट गई रहे, ओकर नाली नहीं रहे, कलाल पानी अंदर जात रहे, पानी गंदा रहे, खूब आदमी के बीमारी होत रहे। तो कैसे ये कुआ बनल? अब रवल ले के गई फोटो वीडियो कैमरा खींच के सब अथी कह के आगे आगे से ऊपर अथी बनल आज विकास तक गाँव को लोग सहयोग दिल गाँव के लोग विकास। ग्राम हरकटवा के ग्रामवासियों ने अपनी जरूरतों को दिखाई तो वहीं अधिकारी गण ने उनकी समस्या को अहम प्राथमिकता दिया और सभी के सहयोग से ग्राम हरकटवा वासियों को मुख्य स्रोत कुएं को फिर से जीवंत कराने में सफलता पाई। इसे पता चलता है सामूहिक प्रयास ही तेजी से बदलाव ला सकता है। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहद के लिए।